डॉक्टर सैयद बुलंद अख्तर है, मैं एज ए कंसल्टेंट इन फिजिशियन काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में। मैंने 1982 में MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद मैंने न्यू हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए डिप्लोमा किया ऑस्ट्रेलिया से न्यूरोलॉजी में, उसके बाद फिर FCPS न्यूरोलॉजी पास किया। और सिंस देन मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा था और फिर 2014 में मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट लिया एज एसोसिएट प्रोफेसर, और अब मैं मौजूदा उमर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन काम कर रहा हूँ। हमारा शोबा है न्यूरो एज ए न्यूरो फिजिशियन, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ओवरलैप कर जाते हैं, मसलन साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि जो साइकेट्रिस्ट है वो उसका काम सिर्फ बिहेवियर जो चेंजेस आती है इंसान में उसको डील करना होता है। मसलन बाद का एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है मरीज, शिजोफ्रेनिया जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, तो वो उनको डील करते हैं। उसमें ब्रेन में कोई ऑर्गेनिक सिटी नहीं होती या कोई ऐसा ट्यूमर नहीं होता, जो कि न्यूरोफिजिशियन है वो प्योर कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है ब्रेन की मुख्य, जिसमें कोई ब्लॉट चला गया, मसलन इन्फार्क्ट हो गया, स्ट्रोक हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, या मेनिंजाइटिस हो गया, या हेडेक के बेशुमार कॉजेज हैं, कोई ब्रेन हो गया या टेंशन हेडेक हो गया, तो हम उसको डील करते हैं। जबकि न्यूरोसर्जन है वो कोई अगर सर्जिकल प्रोसीजर करना है, मसलन कोई ट्यूमर निकला है उसको कैसे ऑपरेट करना है, या कोई और ऐसी सर्जरी जिसमें इंडिकेशन हो गई है कि सर्जरी करनी है, उसमें तो डील करते हैं। ऑर्थोपेडिक के साथ हमारा आमतौर पर जो लोअर बैक एक पेन होती है उसमें आमतौर पर वो लेते हैं, लेकिन हमारे स्पाइनल जो कॉर्ड है उसमें कुछ ऐसी लियंस होती हैं हमारी डिजेनरेटिव डिजीज, इसमें के हम डील करते हैं, उसमें ऑर्थोपेडिक का कोई भी रोल नहीं होता। न्यूरोफिजिशियन जो आमतौर पर डील करते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ एक तो हेडेक, हेडेक में मुख्तलिफ कॉलेज हैं, जो मोस्ट कॉमन है मिग्रेन बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, उसकी भी बेशुमार वजूहत हैं। नंबर दो टेंशन हेडेक है, फिर मेनिंजाइटिस होता है जिसकी वजह से भी हेडेक सीवियर हेडेक हो जाता है। नंबर दो स्ट्रोक, इट्स वेरी कॉमन डिजीज इन आवर कम्युनिटी, स्ट्रोक जो होता है जिसमें फाली जिसको हम कहते हैं, बाई साइड का भी हो सकता है, बाई साइड का भी हो सकता है, तो बेसिक कॉज इसमें यही होती है कि आपकी शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज है, अगर दिल के मरीज हैं तो उसकी वजह से जो छोटा सा ब्लॉट ब्रेन में जाता है जिसकी वजह से आपको एक साइड पर फाली हो जाता है। नंबर दो हम एपिलेप्सिस जो होती जिसे हम कहते हैं, उसमें होता है कि मरीज एकदम बेहोश होकर गिर पड़ता है, उसके झटके लगते हैं, उस जाग आती है और उसके बाद फिर 5-6 मिनट बाद उसको होश आ जाता है। ये एपिलेप्सिस की मुख्तलिफ किस्में हैं, उनको भी डिफ्रेंशिएट करना एक कॉमन बंदा नहीं फिजिशियन नहीं कर सकता, एक न्यूरोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं जिसमें एक बार का मरीज होता है वो बेहोश नहीं होता, वो सिर्फ एक जगह स्टेयर करता है और तो 2 मिनट के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, या बाज का होता है कि सिर्फ एक साइड झटके मारती है लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल ठीक होती है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट का ही काम है, आम जो फिजिशियन है वो उनके फील्ड में ये चीज़ें नहीं आती। इसके अलावा फिर हम जो नशे की बीमारी होती है, उसमें पार्किंसनिज्म हो गया, इसमें कि ब्रेन में सेल जो डिजिनेट हो जाते हैं उसकी वजह से वो जो मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, हम तो भी ओल्ड एज में जाके होता है लेकिन यंग एज में भी हो सकता है, उसमें मुख्य बीमारियाँ होती हैं, मुख्य कॉजेज होती हैं जिसमें यंग एज में भी हो सकता है, उसमें होता है नशा होता है और इंसान स्लो हो जाता है चलने फिरने में, सारे एक्टिविटीज स्लो हो जाती है। उसके अलावा जो नशे होते हैं वो मुख्य सिनाइल ट्रेमर जिसे हम कहते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं सिनाइल ट्रेमर, उसके अलावा एनजाइटी की वजह से भी ट्रेमर आ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ जैसे डिस्टोनिया है, कोरिया है, उसमें भी एक तरह की इंटेंशनल ट्रेमर जिनको हम कहते हैं वो आ जाते हैं। इसमें आमतौर पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि न्यूरोफिजिशियन क्या है, उनके जहन में एक दिमाग का डॉक्टर बस जहन में आता है तो वो फिर मिसगाइड होकर कभी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, कभी न्यूरोसर्जन के पास चले जाते हैं, कभी ऑर्थोपेडिक्स। तो मैं ये बताना क्लियर करूँगा कि जो न्यूरोफिजिशियन है उसको हम आमतौर पर जो नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी यूज़ करते हैं असाब पठा माहिर असाब पठा, उसमें कुछ डिजीज पठों की होती है, इसमें बच्चों में आ जाती हैं डिस्ट्रोफीज इनको कहते हैं, शुरू से पैदाइशी मसले होते हैं बच्चों के जो शुरू में उनको चलना मुश्किल हो जाता है और चल नहीं सकते और ऐसा ऐसा वो बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं, आमतौर पर मरूसी होती हैं, फैमिली में चलती हैं,
तो इनको हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। तो ये भी जो डायग्नोज करना एक न्यूरोफिजिशियन का ही काम है, बाकी जो फील्ड है उनमें इनका कोई रोल नहीं है। तो इसके लिए मुख्य टेस्ट होते हैं जिससे हम करके फिर अपना डायग्नोज कन्फर्म करते हैं। और अगर आपने मुझे कंसल्ट करना है तो मैं ओन हॉस्पिटल गेल रोड पर कंसल्टेशन करता हूँ, तो आप हम वालों के ज़रिए मुझे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर टाइमिंग्स सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर हम कर देंगे।